हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक। टॉपिक का नेम आपने बोर्ड पे देख लिया है। हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर एक्सरसाइज टू, ठीक है, जो आपकी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट की टू एक्सरसाइज का उसके आफ्टर जो टॉपिक है पॉलीगॉन्स, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉलीगॉन, ठीक है बच्चे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमने स्टडी करनी है उस स्टडी का करने के से पहले हमें उसकी डेफिनेशन बताना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन पता होगी तो हमें पता चल जाएगा ये होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है। इसकी डिफाइन देखो क्या है, पॉलीगॉन से क्या होती है, अ सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। फिर मैं अ सिंपल क्लोज फिगर, एक सिंपल क्लोज फिगर होती है जिसमें क्या होता है, थ्री और मोर, ठीक है, थ्री और मोर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, थ्री और मोर स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जहाँ क्या होनी चाहिए, थ्री या थ्री से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस। फॉर एग्जांपल देखो, वन टू थ्री, मिनिमम कितनी चाहिए, ए बी सी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, थ्री लाइंस, थ्री स्ट्रेट लाइंस। ये देखो वन टू थ्री, थ्री है, इट मींस कि इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। अब थ्री से ज्यादा, ये देखो वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर साइड्स है, इट मींस कि इट इज आल्सो नोन एज ए पॉलीगॉन। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, क्लोज फिगर, क्लोज है, देखो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से क्लोज करते करते यहाँ पे क्लोज, ये स्टार्टिंग, यहाँ से जाते 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 यहाँ पे क्लोज, ये दोनों फिगर्स क्या है, क्लोज है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है आपको, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलीगॉन, क्या आप बता सकते हो कि जिसमें थ्री और मोर थ्री, ठीक है, मिनिमम थ्री तो मैक्सिमम ज्यादा हो सकती है, स्ट्रेट लाइंस होंगी और साथ में क्लोज फिगर होगी, ठीक है। ये देखो दोनों फिगर्स क्या है, क्लोज है, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल भी क्या आएगा, पॉलीगॉन्स है, ठीक है। ये सारी क्या है, फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट, जैसे ये आपको एक्सरसाइज नंबर, उसके बाद लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्या है बच्चे, टाइप्स मींस कि कितने टाइप की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, सबसे पहले आप अपनी बुक पे देखो कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्रायंगल, ठीक है, मैं बुक पे ही दिखा देती हूँ आपको, शो करती हूँ, ये देखो ट्रायंगल। अब पॉलीगॉन्स विद थ्री साइड्स, कितनी साइड्स है, ट्राई, नेम से क्लियर होता है, ट्राई मींस थ्री, एंगल्स मींस उसके एंगल, जिसे थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। इस टाइप फिर फर्दर हमें पता है कि ट्राइंगल्स की थ्री टाइप्स होती हैं, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, ठीक है। अ पॉलीगॉन विद थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ये जो फिगर्स में बताई गई है। उसके बाद क्वाड्रिलेटर, ठीक है, अब पॉलीगॉन, क्वाड्री का मतलब होता है मीन फोर, एंड लेटर्स का मीन होता है साइड्स, मीन्स की जिसकी फोर साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर्स। ये सारी क्या है, फोर साइड्स वाली हैं, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल भी क्या है, पॉलीगॉन्स है, ठीक है, ये सारा आपका बुक पे करने वाला है। उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की स्पेशल टाइप है इन विच फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है, फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स, डायगोनल्स ये होते हैं बच्चे, ये देखो ये जो पी एन और एम क्यू, ठीक है, ये क्या है, डायगोनल्स, इसकी डायगोनल्स विद साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, फोर साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट पेंटागन, पेंटा मतलब नेम से क्लियर होता है, पेंटा का मतलब पांच, ठीक है। अ पॉलीगॉन विद
ठीक है, लिखना है अ पॉलीगन विद फाइव साइड्स, कितनी साइड्स, फाइव साइड्स, ठीक है, नाम से क्लियर है बच्चे, पेंटा पांच, ठीक है। उसके बाद हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सागन की साइड्स होती है सिक्स, ये देखो ये पेंटा की शेप है, ये हेक्सा की शेप है, ठीक है। ये आपको मैंने पॉलीगन्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि ये बच्चे पॉलीगन क्या होता है, तो आप दो तीन पॉलीगन्स के नेम बताओ, तो आपके रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सारा कुछ बता दो उसको, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखो, बुक पे ही देखो, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स पता है, डेफिनेशन पता है कौन सी होती है, कि जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होगी और साथ में क्लोज फिगर होगी। ये देखो ये तीन साइड है, नहीं इसमें फोर साइड है, मोर देन थ्री है, इट मीन्स कि ये पॉलीगन है, ये नो, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन। अब आपने बाकी पॉलीगन्स को खुद बुक पे टिक सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए आप क्या होना चाहिए, आपको पॉलीगन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बोर्ड बोर्ड पे बड़े डीपली, ठीक है, डीपली बताई है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमने स्टेटमेंट्स लिखनी जो दी हुई है हमें, इसमें हमें लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वन लिखा है अ पॉलीगन विद फोर साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन, बच्चे देखो पॉलीगन विद फोर साइड्स इज कॉल्ड पेंटा, पेंटा मैंने आपको बताया पांच साइड्स होती हैं, सो इट विल बी फॉल्स, ये क्या होगा, गलत होगा, फॉल्स है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ट्रू, क्योंकि उसने बताया कि ये स्पेशल टाइप है, क्लियर, क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, डेफिनेशन में देखो। उसके बाद लिखा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यस ठीक है, उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, ये देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है, कोई भी बना लो, उसका जो वर्टेक्स होगा, फॉर एग्जांपल ये मान लो वर्टेक्स है, तो क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, उन्होंने बोला कि एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं उनका क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स, जो भी दो साइड होंगी जैसे ये और ये मैच करेंगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कॉमन वर्टेक्स, ये भी ट्रू है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, डेफिनेशन में क्या बताया कि डायगोनल आर इक्वल, सो दिस इज फॉल्स। द ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, है कि नहीं, ट्राइंगल एक पॉलीगन की फॉर्म है कि नहीं, यस, क्यों, क्योंकि उसमें थ्री साइड्स हैं, ठीक है, और वो थ्री साइड्स क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, यही क्या है, पॉलीगन की डेफिनेशन कहती है, यस, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल्स, ठीक है, कहते हैं कि सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होते हैं, होते हैं, नो, ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सभी ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं होते। अ हेक्सागन हैज सिक्स साइड्स, डेफिनेशन ने क्या कहा था कि हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ हेक्सागन, सिक्स, सो इट इज ट्रू, ठीक है। ड्राई क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर क्या ड्रॉ करनी है, पी क्यू आर एस, ठीक है, उसका नेम बताना है हमें, ठीक है, उनके नेम बताने हैं, किस किस के बताने हैं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि कोई भी, ये देखो पी क्यू आर एस, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज थ्री का, उसके नेम पी क्यू आर एस बता दिया, अब उसके डायगनल बताओ, डायगनल ये है एस क्यू पी आर, डायगनल कौन से आ रहे हैं, ये देखो डायगनल्स आर कौन से हैं, एस क्यू एंड आर पी। नेक्स्ट ऑपोजिट साइड्स, बच्चे दिस वन ऑपोजिट दिस वन एंड दिस ऑपोजिट दिस, ठीक है, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स लिखना है कि एस आर, ठीक है, एस आर एंड ऑपोजिट किसके है, पी क्यू के है, एस आर ऑपोजिट क्यू पी क्यू एंड एस पी ऑपोजिट टू आर क्यू। नेक्स्ट उसके बाद एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हम लिख देती है, देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, ठीक है,
ये सारी हमने लिख दे दी है, कितनी आ जाएंगी 1 2 3 4, ठीक है, फोर साइड्स आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।